अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सना अहमद ऑफिशियल। दिस इज़ मी सना अहमद, आपका वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। सो आपको आज का बैकड्रॉप पीछे का चेंज दिख रहा होगा, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ रेडियो। टाइम हो रहा है 3:00 एंड आई एम गोइंग समवेयर विद माय ब्रदर फॉर द वर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे दिमाग में खुराफाती ख्याल आया है, एक प्रैंक करने की सोच रही हूँ। सो इससे पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी बस मैं निकल रही हूँ घर से, ब्रदर को उठाऊँगी मतलब लूँगी साथ में, और फिर हम लोग निकलेंगे सीधे अपने काम से। काम तो मेरा मुख्तसर सा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज ये फ़ायदा उठाया जाए। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज पब्लिक के बीच, जो मेरा पिछले वाला व्लॉग है पब्लिक के बीच, भाई ने किया गुस्सा ज़बरदस्त। पब्लिक के बीच व्लॉग करने पर भाई को आया ज़बरदस्त गुस्सा, तो वो मेरा व्लॉग जो है माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग इतना प्यार दे रहे हो कि मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं एक और प्रैंक करूँ पब्लिक के बीच वाला ही। सो आई डिसाइडेड कि आज मैं भाई के ऊपर प्रैंक करने वाली हूँ कि भाई मुझे शॉपिंग करा दे, और मैं उसको इतना इरीटेट कर दूँगी, मतलब इरीटेटिंग माई ब्रदर पब्लिक के बीच फॉर द शॉपिंग। सो ये मेरा आज का टारगेट है, लेट्स सी कैसा जाता है। बट सबसे पहले चलते हैं घर और देखते हैं सूरत हाल घर के, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं, फिर जैसा भी रहेगा। अगर मैं जाती हूँ तो कर पाऊँगी, नहीं जाती हूँ तो लेट्स सी। तो इससे पहले कि बारिश जो है मौसम बिगड़े, तो फटाफट निकलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी फुटेज आ रही है, सो मैं अपना थंबनेल भी निकाल लेती हूँ। बाय द वे, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, 31,000 सब्सक्राइबर्स हैज़ बीन कम्प्लीटेड ऑन अवर चैनल। सो सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। मैं सेलिब्रेट तो नहीं कर रही हूँ अभी, सेलिब्रेशन देखो मैं कब करती हूँ, बट इंशाल्लाह वेरी सून सेलिब्रेटिंग व्लॉग भी आएगा। बट थोड़ा सा पेशेंस रखो और व्लॉग्स को प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी कर लो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं बाहर और दिखाते हैं सूरत हाल बाहर का। लेट्स गो, झोला उठाते हैं अपना एंड लेट्स गो। हस्बैंड जो हैं वो अपने काम से निकल गए हैं, लॉक खोलते हैं, चलते हैं। चलिए अम्मी खाना खा लेना आप, ठीक है? अम्मी डोर लगा लीजिए, मैं निकल रही हूँ। सो आज भी मैं पैदल ही जाऊँगी, आई जस्ट हेट टू गो विदाउट गाड़ी। सही, मेरी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, पता नहीं दिखी नहीं दिखी। सो यहाँ से मैं निकल गई हूँ, और बस दुआ कीजिए अल्लाह पाक जल्दी मेरा घर करा दे, ताकि मैं यहाँ से जल्द निकल पाऊँ। मुझे सीरियसली यहाँ की जो रोड्स हैं, यहाँ की जो गंदगी है ना, मैं इरीटेट हो चुकी हूँ उन चीज़ों से। बस अल्लाह पाक मेरा करा दे, ताकि मैं यहाँ से जल्द निकलूँ। देखिए आप क्या हालत हो रही है, ये देखिए सर, ये देखिए क्या कंडीशन हो रही है यहाँ की। चलिए गाइस निकलते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ, थोड़ा काम था, MD साइड ही है हम लोग, एंड बस अभी जो है यहाँ के रोड्स, यहाँ के बंगलोज, आई जस्ट लव इट। अल्लाह पाक हमें इतना नवाज दे इंशाल्लाह कि मेरा भी यहाँ बंगला हो। तो चलो चलते हैं और करते हैं, निपटाते हैं अपना काम। और एक प्रैंक जो मुझे करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया है, तो फ्री रहती। काम हो चुका है और हम लोग जो है निकल गए हैं, भाई जा रहा है वो टारगेट करना है इसे। अभी मैं आगे मॉल तक इसे ऐसे ही लेके जा रही हूँ, उसके बाद वहाँ पर जाकर हम लोग करेंगे प्रैंक। इसको नहीं पता है कि इसके ऊपर प्रैंक होने वाला है, बहुत एक्साइटिंग प्रैंक है। सो बस तैयार रहिए आप लोग, ठीक है? इतनी तेज़ यहाँ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी मस्त एकदम, बहुत ही मज़े का यहाँ पर मौसम हो रहा है। मतलब ये इधर का जो एरिया होता है ना, मतलब यहाँ का तो जवाब नहीं सच में। और माशाल्लाह ये देखिए पीछे का। सो बस अभी चलते हैं, उस बेचारे को पता नहीं उससे प्रैंक होने वाला है, और पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा। जब मैं उसे कहूँगी ना प्लीज़ मुझे शॉपिंग करा दे यार, भाई मुझे शॉपिंग करनी है, मैं पब्लिक के बीच खड़े होकर जिद करने वाली हूँ। लेट्स सी कि इसका रिएक्शन कैसा होगा। आई नो बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन होगा, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा अब भी मेरे से इतनी जिद कर सकती है। एंड गाइस प्लीज़ आवाज़ का, और अगर उसका इशू आ रहा हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना आए इंशाल्लाह। और मुझे यहाँ ट्राइपॉड आना चाहिए था बट मैं भूल गई, पर कोई बात नहीं, अभी कितना चलना पड़ेगा आई डोंट नो। अभी चलते हैं, मेरी टांगों में दर्द होने लगा यार। अच्छे अच्छे प्रैंक्स मिलने वाले हैं, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से। लिया इसे लेकिन बिंदल्स तक ले जाने के लिए, लेकिन मान नहीं रहा था, बट चलो गाइस चलते हैं बिंदल्स।
यहाँ रिक्शा नहीं मिल रही यार। मैं आ चुकी हूँ बिंदल्स पर, ठीक है अब मैं करती हूँ इससे अबू अबू जरा ना मुझे शॉपिंग करा दे। अबू देख प्लीज मैं तेरे साथ पहली बार आई हूँ, तेरे, तेरे, तेरे काम से आई हूँ, देख ऐसे पब्लिक में नहीं करते। आओ जल्दी आओ। देख समझ मेरी बात सुन, अंदर चलते सुन 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 सुन। अरे आओ सबसे, ना यार सबसे लोवेस्ट डिपार्टमेंट में जाऊंगी पक्का 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 पक्का। यहाँ तक ले आया तू खींच के। अच्छा तू अपनी बहन को कुछ दिला नहीं सकता है तू यार अबू प्लीज। मैं अनमोल रतन तुम्हारे पास है, तुम क्या लोगी मुझसे? आओ देख सुन तो बात तो सुन, अभी सब देख रहे हैं रिक्शा वाले भी सना भी। चलो घर आगे वाली बातें आओ चलो घर आओ जल्दी फटाफट तो सुन जल्दी आओ मैं जा रहा हूं आ जाना। देखो सारा सुन तो ले यार अबू, सब लोग देख रहे हैं अबू गुस्सा हो गया। चलो चलते हैं आगे बात तो सुन ले। गाइस पब्लिक का रिएक्शन ये है कि ये हो क्या रहा है, गुस्सा हो गया। चलते हैं लेट्स सी। भाई बात तो सुन ले प्लीज, कह रहा है तुम चुपचाप घर चलो, उसको भूख भी लग रही है। करा दे यार भाई यहाँ से करा दे, चल यहाँ से करा दे। बंद करो यार इसे, चल वहाँ से करा दे फिर। बंद करो जल्दी आओ। सुन सुन तो ले प्रैंक प्रैंक करी थी तेरे ऊपर क्या? प्रैंक प्रैंक करी थी तेरे पर भाई जी। कोई प्रैंक प्रैंक नहीं था, अगर मैं अंदर ले जाता ना तो कुछ भी ले आती है। प्रैंक था लेकिन इसने रिएक्शन बहुत अमेजिंग दिया। मेरे हस्बैंड के साथ मैं प्रैंक करती हूँ, भाई के साथ करती हूँ, उनके रिएक्शन बड़े बेकार रहते हैं, पर इसका रिएक्शन बहुत अच्छा रहा। अल्लाह इसे खूब तरक्की कामयाबी दे और इसे बहुत सारा कुछ खाओगी नहीं बड़ा आदमी बना दे इंशाल्लाह अपने पापा की तरह। चलो गाइस अब हम लोग इधर आ गए हैं और ये प्रैंक जो है मेरा एक्सट्रीमली गॉन रॉन्ग है और पब्लिक का रिएक्शन देखने लायक था। मैंने आप लोगों को दिखाया है, कैसा लगा ये प्रैंक जरूर बताना। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हिट द बेल आइकन ऑल्सो। नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करती हूँ। और अगर आपको उस तरह के प्रैंक्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आगे भी पब्लिक के बीच खड़े होकर प्रैंक करूँगी। ठीक है बाय बाय, चल अल्लाह हाफिज़ करें सबको। क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, जितना हो सके उतना कर दो। चलो अल्लाह हाफिज़ अबू, अल्लाह हाफिज़ कर दे, अल्लाह हाफिज़ गाइस।